हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बीआर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2018 के दो मस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉयड फोन के लिए है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये दोनों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलने वाला। दोस्तों काफी सर्च करने के बाद ये एपीके फाइल हमें मिला है, तो दोस्तों ये हम आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चल पाए ये दो टॉप एप्लीकेशन कौन से हैं और इसका यूज क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको मिल जाता है Xtune New। दोस्तों Xtune New ये आपका आईफोन के लिए नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये आपका एंड्रॉयड फोन की एप्लीकेशन है। जैसे कि आईफोन के लिए iTunes आता है, वैसे ही अब प्ले स्टोर के लिए भी Xtune निकाल दिया गया है। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लेटेस्ट पंजाबी रिमिक्स, पॉप, मराठी जो भी सॉन्ग हो दोस्तों, नए पुराने ताजे बासी टोटली आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है और यहां से आप अपने गाने को सुन भी सकते हैं ऑनलाइन और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा था। ये जो दोनों एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों एप्लीकेशन हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करते टाइम दोस्तों आपको थोड़ी सी ऐड मिलेगी वहां पे, तो उस ऐड को आप कैंसिल कर देंगे, स्किप कर देंगे और फिर इंस्टॉलेशन कर लेंगे। दोस्तों इसे डाउनलोड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो फिल्म आई है, कोई भी फिल्म ले लेते हैं, जैसे कि इसी फिल्म को हम ले लेते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखेंगे कि ये फिल्म का पोस्टर आपके सामने आ गया और इसके गाने भी आ गए। अब हमें इसे सुनना है तो सुन सकते हैं, नहीं तो अगर डाउनलोड करना है तो देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन बन रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखेंगे क्लिक करते ही स्टार्ट डाउनलोडिंग नोटिफिकेशन, यानी कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता दोस्तों, सिंपल आपको आकर के इस गाने पे कोई भी गाने को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप उस गाने को डाउनलोड कर सकते हैं। साइड में बना हुआ बटन आपको मिल जाएगा डाउनलोड का, उस पर क्लिक करते ही डाउनलोड होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड होने लगेगा आपके मोबाइल फोन में। तो दोस्तों ये है इस एप्लीकेशन की क्वालिटी और खासियत। आपको किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मनपसंद सॉन्ग को आप खुद अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकेंगे। और दूसरी एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड है दोस्तों। वो एप्लीकेशन का नाम है Yelp Store। देखेंगे डिस्प्ले पे आपको मिल रहा होगा Yelp Store, मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि प्ले स्टोर हमारे पास है ही, तो ये Yelp Store का यूज हम क्यों करें। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्ले स्टोर में कुछ ऐसे एप्लीकेशन मिलते हैं जो हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने फोन के अंदर, तो वो होता नहीं है। वहां पे बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं कि आपका स्टोरेज कम है, या आपके फोन की सपोर्ट नहीं है इस एप्लीकेशन के लिए, या आपके कंट्री में ये अलाउ नहीं है एप्लीकेशन। लेकिन दोस्तों Yelp Store में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा सिंपली वे में। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एप्लीकेशन दोनों जगह दिखाता हूँ। यहाँ पे Yelp Store में वो एप्लीकेशन पहले मैं सर्च करता हूँ, तो देखेंगे दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च किया EDGE MASK मैंने इस पर सर्च किया, यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो देखेंगे यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको मिल जाता है ये 1 MB में। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि 1 MB में ये आपको मिल जाता है। लेकिन अगर यही हम प्ले स्टोर में चलते हैं दोस्तों, तो प्ले स्टोर में अगर हम इसे ओपन करते हैं, देखेंगे हमने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया और यहाँ पे उस एप्लीकेशन को देखेंगे कि साइज देखेंगे 2.2 MB है, यानी यहाँ पे इसकी साइज 2.2 MB है। यहाँ ऊपर देखेंगे Yelp Store में इसमें 1 MB इसकी साइज है और यहाँ पे प्ले स्टोर में इसी की साइज 2.2 MB है। दोस्तों इसी रीजन से कोई कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हम डाउनलोड नहीं कर पाते अपने फोन में, तो Yelp Store का यूज करें, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो हमारे वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और दिल की प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में डालना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।